अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा आईसीयू से आनन-फानन में मृतक महिला का शव परिवार को सौंपा गया। परिवार के लोगों का कहना है कि 16 तारीख में हाथ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक महिला के बेटे संदीप धीमान का कहना है कि आज शाम मेरी माँ बिल्कुल सही थी। संदीप धीमान ने अभी आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही से हुई है मेरी माँ की मौत और अस्पताल के अधिकारी इसको हार्ट अटैक से बता रहे हैं। महिला की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थिति में, लोगों का परिवार का आरोप है कि लापरवाही से मौत हुई है। यह मरीज माया देवी जी 60 ईयर ओल्ड फीमेल, ये 15 अक्टूबर को हमारे अस्पताल में भर्ती हुई थी। इनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर था। मरीज पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की और दमे की बीमारी थी उनको, और इस कारण से क्योंकि उनका बीपी हाई था तो उनको पहले बीपी को कंट्रोल किया गया, उसकी दवाइयां चली, एस्थमा को ठीक करने की कंट्रोल करने की दवाइयां चली, और उसके बाद मरीज़ का आज ऑपरेशन करा गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को पोस्ट ऑप में शिफ्ट किया गया, और क्योंकि मरीज़ पहले से ही क्या बीपी और दमा के साथ बीमारी उनको पहले से ही थी, इसका हाई रिस्क कॉन्सेंट मरीज के परिजनों से लिया गया था। और लगभग 5:30 बजे के करीब जब पेशेंट पोस्ट ऑप में थी तो उनको पहला दिल का दौरा पड़ा। तुरंत ही मरीज़ को गाइडलाइंस के हिसाब से सीपीआर चालू किया गया। 3 साइकिल सीपीआर के बाद मरीज़ रिवाइव हो गई। उसके पश्चात दोबारा मरीज़ को लगभग 6:30 बजे दोबारा दिल का दौरा पड़ा, और उसमें भी तुरंत सीपीआर को हमने चालू किया गया। और 22 साइकिल सीपीआर के बाद भी अनफॉर्चुनेटली मरीज़ को रिवाइव नहीं किया जा सका। परिवार के लोगों का कहना तो यह है कि सीधा कि बहुत ही ज़्यादातर हॉस्पिटल स्टाफ ने जो है बुरी स्थिति में रखा गया, स्टाफ ने साथ नहीं दिया गया, और कई बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी मरीजों के साथ जो भी हमारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हैं हम वही फॉलो करते हैं, और मरीज़ को तुरंत सीपीआर दिया गया। मरीज़ पहले से ही हाई रिस्क मरीज थी क्योंकि उनको बीपी और दमे की शिकायत थी, और ये बात परिवार वालों को बताई भी गई थी और उनसे कॉन्सेंट साइन भी कराया गया। डॉक्टर साहब, 3 दिन से भर्ती था मरीज, क्या 3 दिन से लगातार परिवार के लोगों को बताया जा रहा था कि इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है मरीज के साथ? वो लगातार मरीज की जो परिस्थिति थी, मरीज की जो कंडीशन थी, उनसे डेली उनको अवगत करा रहे। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर। क्या पद है आपका? मैं यहाँ पर प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ अस्पताल। मेरी मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, हैंड की बैक हड्डी टूटी थी। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने भर्ती किया 16 तारीख को, जिनपे इनका बीपी हाई चला, 200 भी बीपी आ रहा था मम्मी का। तो उन्होंने एक हफ्ते तक भर्ती करके रखा कि मम्मी का बीपी हाई है, भाई हाई है। तो मैं कल भी परसों भी शनिवार को भी आया हूँ खाना देने मम्मी को। डॉक्टर साहब प्रशांत संदीप डॉक्टर साहब मिले थे शाम को, मम्मी से मिलने आए थे। मैं मम्मी ने खुद बोला डॉक्टर साहब मैं नॉर्मल हूँ, मेरा आप एक्सरे करना। डॉक्टर साहब ने एक्सरे नहीं करा। कल 20 तारीख को करवा चौथ था, मम्मी को हम खाना देना है, मम्मी थी भी नॉर्मल थी। आज की तारीख उन्होंने 190 पे बीपी दाम का, तो उनका ऑपरेशन क्यों करा? और मम्मी का ऑपरेशन कर, मम्मी अभी भी 6 बजे ठीक ठाक थी। 6 बजे के बाद मम्मी ने खाना मंगा के बेटा मुझे खाना लगकर भूख लगती है। क्या आपने मम्मी से अपनी बात की थी? मेरी बहन ने बात करी थी। मैं कल शाम में बात कर गया, परसों शाम में बात कर गया, पर डॉक्टर साहब प्रधान संदीप उनसे उनके सामने बोल गया सर मेरी मम्मी का एक्सरे करना है। डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया उस टाइम पर, क्या आपके बात हुई डॉक्टर? डॉक्टर ने हंसी में टाल दिया, उन्होंने हंसी में टाल दिया। प्रशांत सर, प्रशांत डॉक्टर, प्रशांत संदीप, वो हंसी में टाल दिया। अम्मा तुम डॉक्टर हो, हम डॉक्टर। जब मेरी माँ ओके नॉर्मल थी तो इन्होंने क्यों 190 पे बीपी पे मेरी मम्मी का उल्टी करा? आपको क्या लगता है इलाज गलत हुआ है? इलाज गलत हुआ है। 6 बजे जो बच्चा पेशेंट ओके है, 6 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ 2 घंटे के अंदर की बैंक की मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई? क्या दवाई दी गई थी कुछ आपसे मंगाई गई थी नीचे? दवाई कुछ नहीं हमारे से मंगाई गई, दवाई सब यही दे रहे थे। ये हमें बोल रहे हैं कि हमने आपने ओवरडोज खा ली है। ओवरडोज क्या खा ली? जब 3 टैबलेट उन्होंने दे रखी, मम्मी 3 टैबलेट खा ली है। बताओ आप क्या चाहते हैं फिलहाल? अभी हाल फिलहाल में पुलिस भी यहाँ पर मौके पर, किस तरह की जाँच चाहते हैं, किस तरह का मामला चाहते हैं? अब क्या मैं घर में बॉडी ले जा रहा हूँ, नहीं मांगू मरे लोग क्या रखो उसकी बॉडी की एसी कराऊंगा मैं? मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर लोग देखें सीखे क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह पुलिस प्रशासन को हमने बता दिया है सर, किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई क्या करें, पीएम तो करानी चाहते सर, हम बॉडी घर ले जा रहे हैं। अब बॉडी अब तक एम्बुलेंस में पहुँच भी गई होगी सर, इतनी जल्दी कर रहे हैं।
आपको कुछ समझाया गया है? कुछ कुछ नहीं समझाया, भाई है हमारा, सब कुछ हमको समझा नहीं गया। अपनी माँ से मिलने आया, नहीं आप अंदर नहीं जाते, हम अंदर नहीं घुसने देंगे तुम्हें। बताओ क्या इनकी वो है कि मेरी माँ मरने के लिए पड़ी, मैं मिलने नहीं जाता? जवाब देंगे कौन है? क्या शिकायत आपने पुलिस से की है? लेकिन मुख्य पुलिस मौके पर मौजूद है। सब कुछ बता दिया सर, कौन पुलिस क्या करेगी, क्या करेगी बताओ आप। क्या नाम है आपका? संदीप धीमान, मैं माया देवी का बड़ा लड़का हूँ। क्या पुलिस करेगी?